घंटे के लिए अपने ही घर के स्टेयर्स पे, जहां मैं खेल कूद खाने पीने के अलावा परेशान भी होने वाली हूं। तो देखना ये है कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूं या नहीं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैं रहने वाली 24 आवर्स के लिए सीढ़ियों पे, तो उसके लिए मुझे कुछ तैयारी भी तो करनी होगी। सामान तो लेकर जाऊंगी अपना, और मैं अपने घर के बाहर की सीढ़ियों पे नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी सबसे ऊपर की फ्लोर पे, छत वाली सीढ़ियों पे, क्योंकि यहाँ पर आना जाना लोग करेंगे तो मैं डिस्टर्ब होती रहूंगी। तो पहले हम चलो अपना सामान रखते हैं कुछ जरूरी, ये रख लेती हूँ यार। सीढ़ियों पे क्या ही रखूंगी, मैं बैठ जाऊँ वो बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने बेडशीट जो कि अभी बन जाएगी स्टेयर शीट, क्योंकि मैं ये सीढ़ियों पे बिछाऊंगी। और मुझे लगता है कि और सामान की जरूरत है, अगर होगी तो मैं नीचे आकर ले लूंगी। और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मेरे ये दो दोस्त भी जा रहे हैं, ये मेरा पांडू और ये मेरा यूनिकॉर्न। और मैंने हेल्प के लिए काजल को बुलाया है साथ में, क्योंकि काजल मेरे साथ सामान भी लेकर चलेगी। और मैंने इन दोनों को उठा रखा है, और मैं थोड़ा मेकअप भी ले लेती हूँ। अब हम ये मिशन कम्प्लीट करके दिखाएंगे अपना। सारे फ्लोर की सफाई कर देती हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे, तो सफाई अभियान कर लेते। पहले साफ करते करते ही चलूंगी यार, मैं तो थक गई बहुत, अब नहीं जा पाऊंगी सुपर, अब नहीं होगा, हालत खराब हो रही है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ वहां पर जहां पर मुझे आज पूरे दिन रहना है, और वो जगह है ये छत। और इसकी हालत देखकर मेरा पूरा सर चकरा रहा है कि इतना गंदा हो रहा है, मुझे सब कुछ साफ करना पड़ेगा अभी। तो चलो साफ सफाई पे पहले लगते हैं, यहाँ की सब कुछ सफाई करते हैं, फिर हम ये चादर बिछाएंगे यहाँ पे। चलो सफाई करते हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार, पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे बहुत धूल है यार, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे 10 साल से सफाई नहीं हुई थी और मैं साफ कर रही हूँ। मुंह में सारा धूल जा रहा है। तो सफाई तो पूरी मैंने अच्छे से यहाँ की कर दी है, और ये पहले से बहुत अच्छा भी हो गया। अब मैं इसमें बिछा दूंगी बेडशीट, ताकि मैं आराम से बैठ पाऊँ यहाँ पे, वरना सारा धूल तो मेरे कपड़ों में आएगा, नाक में तो ऑलरेडी जा चुका है सारा। और ये जो मेरा घर है, इसमें है पूरे 1 2 3 फ्लोर्स है इसमें, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, यहाँ। और यहाँ पर मेरी छत भी है, ये दिखाओ, ये है मेरी छत। और ये जो है ये मेरी बालकनी है, यहाँ से मैं नीचे का नजारा भी ले सकती हूँ। ये मेरा पूरा घर है, यहाँ पे मैं सब कुछ बना दूंगी अभी। यार क्या करना पड़ रहा है यार। तो चलो मैंने बेडशीट तो बिछा दी, अब सारा सामान मैं सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको अपने घर का टूर दूंगी। तो गाइस, फाइनली मैंने सेट कर लिया अपना पूरा घर, जो कि है 3 फ्लोर का। वाओ, अब मुझे ये घर बनने के बाद सच में दिल से बता रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मतलब मजा आ रहा है यार। और मेरा साथ देने के लिए मेरे पास ये मेरे दो दोस्त भी हैं, जो मेरा अच्छा साथ दे रहे हैं, मुझे अकेला फील नहीं होने देंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट पांडू और ये यूनिकॉर्न प्यारा। और यहाँ पे मैंने रखा अपना मिरर, फोन, फैन और सैनिटाइजर, और इसमें है मेरा कुछ मेकअप, और ये मेरी पानी की बॉटल और खाने पीने का सामान बस अभी कुछ देर में आ रहा है। चैलेंज स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के करूँ क्या यार, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं सामने का नजारा ले सकती हूँ यहाँ पर सामने जो, और बस मुझे यहाँ पे बैठ के गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टेरेस है, तो मैं ये खोल के हवा तो ले ही सकती हूँ, और सामने से भी हवा आ ही रही है। वैसे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास है ये फैन। गाइस, अब मैं ये घर बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ, तो देखती हूँ यहाँ पे मैं लेट भी पाती हूँ या नहीं। लेट कर देखते हैं थोड़ा, और बड़ा लग रहा है ये, ऐसे लेट पाऊंगी सिर्फ, ठीक ही है वैसे। या फिर मैं ऐसे भी लेट सकती हूँ सीधा होकर, लेकिन ऐसे थोड़ा ज्यादा सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मैं नीचे गिर जाऊंगी, तो मैं थोड़ा ऐसे लेटूंगी। तो गाइस, यहाँ पर समरीन आराम से सो रही है, और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर प्रैंक करते हैं। तो अब मैं फेंकने वाली हूँ ये वाली चेन इसके ऊपर, और फिर मैं चिल्लाऊंगी सांप सांप। तो चलो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, ये उठती भी है या नहीं। क्या यार, ये तो सच में सांप लग रहा है, ऐसे मत क्या करो यार। बिल्कुल नींद से इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तुम यहाँ पे जाओ, मेरी वीडियो ऐसी हो जाएगी, शूट जाओ। दिमाग खराब कर दिया, सोते में ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। चलो मैं जा रही हूँ यहाँ से, जाओ जाओ सोने दो। यार मैं थोड़ी देर के लिए तो सोई थी, यहाँ पे समझ लो कितनी कम देर के लिए सोई और मुझे ऐसे उठा दिया। ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है, बिल्कुल पसीने से पागल हो रही हूँ मैं अंदर से, और क्या करूँ, बोर हो रहा है बहुत। लेकिन सामने मुझे एक चीज देखने को मिल रही है जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा दो क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर घर तिरंगा लहरा रहा है, और हाँ मेरे घर के सामने भी देखो तिरंगा है, और मेरी छत पे भी तिरंगा है, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ अभी ना मुझे एकदम से एक चीज याद आ गई स्टेयर्स को देखकर, और वो ये याद आया कि आप लोगों ने हम आपके हैकॉन तो देखा होगा, और उसमें जो उसकी भाभी पलट जाती है सीढ़ियों से, तो वो सीन मुझे रिक्रिएट करना है। अभी मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सीढ़ियाँ हैं, तो चलो करते हैं। यार मुझे तो डर लग रहा है, ये सीन करा कैसे होगा। तो चलो मैं इस यूनिकॉर्न को नीचे रख देती हूँ ताकि मैं इसके ऊपर गिरूँ और मुझे चोट ना लगे। यार इसका ये लग गया कोना, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये सीन रिक्रिएट, ये बड़ा मुश्किल था। और मैं 3 सीढ़ियों से गिर रही हूँ, वो तो पता नहीं कितनी 100 सीढ़ियों से गिरी थी, नहीं हो पाएगा। चलो एक और बार ट्राई कर लेती हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। यार यहाँ पे समझो मुझे कितना परेशान कर रहे यार, ये तपती गर्मी, ऊपर से मेरी बॉडी सीधी तक नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, सर पे चोट लग गई, पैर में चोट लग गई। यहाँ पर ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं अलग, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं कि मैं यहाँ सीढ़ियों से उतर जाऊँ, लेकिन मैं उतरने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं उतरूंगी यहाँ पर से। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी स्टेयर्स पे अपना घर बनाया है? मैंने तो पहली बार बनाया है, मुझे बहुत मन करता था कि मैं कभी ऐसे बनाऊँ, और मैं आज कर रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। तो यार यहाँ पे तो अच्छी खासी सनलाइट आ रही है, तो क्या मुझे यहाँ पर रील्स बनानी चाहिए? तो चलो फिर रील्स बनाते हैं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो चली जाओ और जाकर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो गाइस समरीन अभी मुझसे रील बनवा रही है स्टेयर्स पे अपना घर बना के, जो मैंने कारनामा किया है, इसको देखकर तो मुझे एक चीज बोलने का दिल कर रहा है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। तो चलो मेरे लिए खाने पीने की चीजें तो आ गई, अब हम खा लेते हैं। तो खाते खाते तो मुझे लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ ही जाएगा बहुत यहाँ पे बैठे बैठे। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मुझे स्ट्रेस मिले तो इससे हम वर्कआउट भी तो कर सकते हैं ना। चलो वर्कआउट करेंगे। टेरेस की चाबी तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ स्टेयर्स तक रह सकती हूँ, इससे अगला कदम नहीं बढ़ा सकती। तो मैं बस यहीं पर रहकर छत को बस देख सकती हूँ दूर से। इन कोई बात नहीं, खोल लेते हैं क्योंकि हवा आएगी बहुत, और मैं बहुत थक गई हूँ। यार ये तो खुल ही नहीं रहा, ये पता नहीं कैसी चाबी मिल गई मुझे, कोई दूसरी चाबी तो नहीं दी। लगता है मुझे अभी दया को बुलाना पड़ेगा दरवाजा तोड़ने के लिए। तो चलो बुला ही लेते हैं। दया दया तो नहीं आया, मैं ही मार लेती हूँ। यार यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं काश यहाँ से एक और कदम रख सकती, मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर आने का, सिर्फ दूर दूर से देख सकती हूँ। यार तो गाइस अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, और अब बहुत डर सा भी लग रहा है क्योंकि कहीं से लाइट नहीं आ रही, और मेरा टॉर्च जो है वो चार्ज ही नहीं था, तो मैं अंधेरे में बैठी हूँ यहाँ पे। और वहाँ से थोड़ा आसमान भी मुझे दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, बस अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, कोई है भी नहीं। तो चलो मेरे पास ये है, मैं अभी कुछ सोच रही हूँ कि कुछ खेल लेते हैं। अभी हम खेलेंगे लूडो। लूडो 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 लूडो, ये लूडो भी है मेरे पास, वाओ। तो मेरे पास खेलने के लिए बस ये लूडो है, कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है, तो दूसरे वाला भी मैं ही चल रही हूँ और ये वाला भी मैं ही चल रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ, खुद ही के साथ खेल रही हूँ। वाह, कि मेरे साथ कोई खेलने वाला भी तो नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। और गाइस अभी रात के 9 बज चुके हैं, और अभी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या ही मंगा कर खाऊँ, क्योंकि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं डिलीवरी करने के लिए। तो क्या पता मुझे थोड़ी देर में डिनर मिल जाए तो मैं डिनर ही कर लूंगी, लेकिन देखते हैं कैसे मिलता है। और रात होते ही मच्छर बहुत काटने लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, आसमान से आ रहे हैं, उधर का गेट मुझे लगाना पड़ेगा शायद। यार अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर सा भी लग रहा है मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों। वहां से जो मैंने ये गेट खोल रखा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है मुझे। यार ये कैसा लग रहा है, मेरी परछाई आ रही है उस पे। यार रुको मैं आपको दिखाती हूँ गेट पता नहीं हवा से ऐसे क्यों हो रहा है। ये बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है यहाँ पे, डर लग रहा है। ये टेडी बेयर की परछाई देखो कैसी आ रही है, भूत जैसी। ये देखो यार मैं कैसे रहूँ यहाँ पे, लग रहा है टेडी बेयर को हो क्या गया, इसकी परछाई थोड़ी अजीब सी आ रही है। और देखो इसकी साइड में भी कुछ है, ये अजीब सा हो रहा है। नौ ही बजे सिर्फ, और मुझे अभी इतना डर लग रहा है, अभी तो बिल्कुल शाम हुई होती है। यार मैं क्यों लेकर आ गई ये सब। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं एक बार सब कुछ चेक वेक कर लेती हूँ कुछ सब कुछ ठीक है या नहीं है, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस देखो यहाँ पर ये लोग दोनों खेल रहे हैं और मैं अकेली यहाँ पर बैठी हूँ। देखो कैसे खेल रहे, पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं। मैं बस यहीं से देख सकती हूँ और मैं लूडो खेल रही हूँ देखो, और ये लोग खेल रहे हैं और मैं अकेली बैठ के लूडो खेल रही हूँ। यार तुम लोग बहुत दूर हो, ये लोग बहुत दूर है यार। यार ये लोग मुझे मिलकर डरा रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है ऐसे। गाइज अब हो गया डिनर टाइम और मैं ऐसे लेटी हूँ यार यहाँ पर, बिल्कुल कोई वो ही नहीं है कि मैं टेढ़ी होकर लेटी हूँ। अजीब सा ही लग रहा है बिल्कुल यहाँ पर। बड़ी देर से तो मैं फ़ोन चला रही थी, फिर अब मुझे लग गई भूख, तो मैंने घर पे कॉल करके बोल दिया खाना देने के लिए। अब देखते खाने में क्या आता है। यार 11 भी बज गए हैं, अब कैसे रहूँगी, रात कैसे बिताऊँगी वो नहीं समझ आ रहा है मुझे, तो देखते हैं। और ये मैं यूनिकॉर्न के सर पर लेट गई हूँ और मुझे देखो मैं कैसे लेती हूँ यहाँ पर, ये देखो ऐसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और मैं यहाँ पे बाहर आके लेट गई हूँ सीढ़ियों पे। तो गाइस अभी मैंने डिनर मंगवाया था जो कि आ ही रहा था, और मैं बहुत अंधेरा हो रहा है, कैसे जाऊँ यार, बहुत मुश्किल हो रही है। 3rd फ्लोर पे जाना है मुझे, क्योंकि सबसे ऊपर तो आएंगे नहीं भैया डिलीवरी वाले। चलो अभी मैं नीचे जाके आपसे मिलती हूँ। वो गिर जाएगा वो। खाना मिल चुका है, अभी हम खाना लेकर ऊपर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मैं पता नहीं 3rd फ्लोर पे किसके घर के आगे आके बोल रही हूँ, तो चलो ऊपर चलते हैं। पहले जैसे ही मैं ऊपर आई मुझे बहुत जोर से चक्कर आने लगे और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। और एक तो यहाँ पर इतनी गर्मी थी, ना कोई फैन ना कुछ, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फाइनली मुझे सुकून मिला, खाने को मिला कुछ, वो भी इतनी लेट। अभी रात हो चुकी है और मैंने खाना भी खा लिया है। अब यहाँ पर से सब कोई जा चुके हैं और बिल्कुल अंधेरी रात हो रही है, अजीब सा ही लग रहा है बिल्कुल। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो यहीं पर रहना होगा। नींद भी नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सोकर देखती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2 और बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी नहीं है। इधर देखो यहाँ पर भी कुछ अंधेरा दिख रहा होगा बिल्कुल। तो चलो अब मैं सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ। अगर मैं बीच में उठी तो मैं आपको मिलूंगी, वरना मैं आपको सुबह ही मिलूंगी। लेकिन पता नहीं मेरी रात कैसे गुजरने वाली है यहाँ पे। तो गाइज मैं यहाँ पर दोबारा आ चुकी हूँ, क्योंकि अम्मी ने मुझे बोला है कि इसको उठाकर लेकर आओ, क्योंकि वो रात में ऊपर नहीं रह सकती अकेली। तो मैं इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो हार मान जाए और वो यहाँ पर रुक ही ना पाए। तो चलो अभी मैं इसके मुँह पर फेंकने वाली हूँ पानी, जिससे सारा कुछ गीला हो जाएगा और ये यहाँ पर नहीं रुक सकती। All my friends are toxic, all ambitionless. So जल्दी उठ जा, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना है, जल्दी हटो हटो। सारा बिस्तर गीला हो गया तुम्हारा, नहीं करना चाहिए किसी के साथ, गीला कर दिया तो हार मान लो और चलो नीचे। इतनी रात को 3 बज रहा है, इतनी रात को ऊपर मत रहो। वैसे तो आती ही नहीं, चैलेंज खत्म करके आती ही। चलो में पानी चला गया मेरे, चलो कैसे रहोगी गीले इस पे, जल्दी चलो, बहुत जल्दी चलो। उठ रही हो या नहीं उठ रही, जल्दी जल्दी उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ। चल रही हो या नहीं चल रही, बहुत जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चल रही हो या नहीं चल रही। पागल हो गई क्या, दिमाग नहीं है क्या, देख नहीं पूरा गीला कर दिया। हाँ तो इसलिए तो किया था कि तुम यहाँ रो नहीं, यहाँ सो रही थी ना ये लोग। गाइस इसको गुस्सा आ चुका है, अब तो इसको कैसे भी जाना पड़ेगा चैलेंज छोड़ के। तो यार अम्मी ने बोला था कि इसको कैसे भी लेकर आओ, सीधा बोल सकती थी ना, आती नहीं ना, तुम्हारा चैलेंज चल रहा था। पूरा चैलेंज हार गई मैं, 2 घंटे की बात थी बस, 5 बजे सुबह हो जाती है, पूरा चैलेंज हो जाता। जैसे कि आपको पता चले गया हो कि मैं ये चैलेंज हार चुकी हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि ये चैलेंज बिल्कुल पूरा होने वाला था। और जैसे कि हमेशा आप देखते हो कि मेरे साथ गलत हो जाता है हमेशा, पता नहीं क्यों होता है यार। मेरी हालत देखो अभी क्या गीली सी हो रही है और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर दिया मैंने। मैं ये चैलेंज पूरा करना चाहती थी जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ। मेरी अम्मी ने बोला था अकेले 5th फ्लोर पे ना रहे। तो गाइस अब कुछ नहीं बोल सकते, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, मेरे लिए करो प्लीज करो अभी के अभी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या मैंने ये चैलेंज पूरा किया, अगर आपको लगता है तो प्लीज बताना। मैंने थोड़ा बहुत तो किया ही था यार, बस एंड का ही रह रहा था। तो बस यही खत्म होती है मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।